पैदाइश 21वां बाब। और खुदावन ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नज़र की और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामिला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और इब्राहिम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसहाक का खतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ। और जब उसका बेटा इसहाक उससे पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 बरस का था। और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। और ये भी कहा कि भला कोई इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि उससे उसके बुढ़ापे में मेरे एक बेटा हुआ। और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी ज़ियाफ़त की। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके इब्राहिम से हुआ था ठठे मारता है। तब उसने इब्राहिम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दें, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पर इब्राहिम को उसके बेटे के बायस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे, जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूँगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मशक ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बैर सबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मशक का पानी खुश्क हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबिल एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबिल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और खुदा ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ऐ हाजरा तुझको क्या हुआ, मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया और खुदा उस लड़के के साथ था और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीरंदाज बना और वो फारान के बियाबान में रहता था और उसकी माँ ने मुल्के मिस्र से उसके लिए बीवी ली। फिर उस वक्त यूं हुआ कि अभी मलिक और उसके लश्कर के सरदार फीकुल ने इब्राहिम से कहा कि हर काम में जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए तू अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू न मुझसे न मेरे बेटे से और ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तूने कयाम किया है करेगा। तब इब्राहिम ने कहा, मैं कसम खाऊंगा। और इब्राहिम ने पानी के एक कुएं की वजह से
जिसे अभिमलिक के नौकरों ने जबरदस्ती छीन लिया था, अभिमलिक को झिड़का। अभिमलिक ने कहा, मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसकी बाबत कुछ सुना। फिर इब्राहिम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अभिमलिक को दिए, और दोनों ने आपस में अहद किया, और इब्राहिम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा। और अभिमलिक ने इब्राहिम से कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को अलग रखने से तेरा मतलब क्या है? उसने कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को तू मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खोदा। इसीलिए उसने उस मुकाम का नाम बैरसबा रखा, क्योंकि वहीं उन दोनों ने कसम खाई। सो उन्होंने बैरसबा में अहद किया। तब अभिमलिक और उसके लश्कर का सरदार फीकुल दोनों उठ खड़े हुए और फिलिस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब इब्राहिम ने बैरसबा में झाऊ का एक दरख्त लगाया, और वहाँ उसने खुदावन से, जो अबदी खुदा है, दुआ की, और इब्राहिम बहुत दिनों तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा।